नमस्कार, मी हर्षदा क्षीरसागर इन सोलापूर न्यूज चॅनल प्रस्तुत मैत्रीण च्या या एव्हरग्रीन फ्रेश अशा एपिसोडमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत करते. आज मैत्रिणींनो आपल्या या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या आहेत मुंबई येथील ब्युटी एक्सपर्ट व्हायोलेट रोज मॅडम. नमस्कार मॅडम. नमस्कार हर्षदा, स्वागत आहे तुमचं आमच्या या कार्यक्रमात. थँक्यू. मला पहिल्यांदा सांगा की तुम्ही म्हणजे तुमचं माहेर कुठलं आणि तुम्ही या ब्युटी फील्डकडे कशा वळला, तुम्हाला लहानपणापासूनच या फील्डची आवड होती का? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं मुंबई से पर्टिकुलर नहीं हूँ, मैं दिल्ली बेस हूँ. तो मुझे बहुत प्यारी लगती है मराठी भाषा, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा टोन नहीं आता है उसके लिए. तो मैं, आप जो भी मराठी में पूछेंगे प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मैं उसका जवाब हिंदी में ही दूंगी. कई हरकत. और मैं 21 और 22 सालों से मुंबई में सेटल ज़रूर हूँ, लेकिन मैं फिर भी अभी तक पकड़ नहीं पाई हूँ मराठी भाषा की. वो प्यारा जो टोन है वो नहीं मैं बोल पाती हूँ. नहीं, आपका वैसे ही टोन बहुत प्यारा है, आप मराठी भी बोलेगी तो बहुत मीठा लगेगा वो. थैंक यू, थैंक यू. मैं वैसे बेसिकली दिल्ली बेस हूँ, मेरा बचपन पूरा दिल्ली में ही गुजरा है. एंड स्टार्टिंग से जब हम पढ़ाई वगैरह करते थे, मैं बहुत पढ़ने में बहुत स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा हमेशा टॉप करती आई हूँ. एंड देन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्यूटी फील्ड में जाऊँगी. ओके. ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक वो है कि मैंने कभी नहीं सोचा. मैं हमेशा पढ़ाई में नंबर वन रही और पता नहीं किस वजह से मैं ब्यूटी में आई वो मैं नहीं जानती. शायद मुझे आज शोलापुर में आना था, आप लोगों से मिलना था. मे बी इतने प्यारे लोग शोलापुर के, मुझे हमेशा एक मायका ही लगा है शोलापुर. फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जब कभी शोलापुर आई हूँ मुझे हमेशा अपने घर जैसा ही लगा है और मैं यहाँ आके बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करती हूँ. तो बचपन से लेके जब मैं पढ़ाई वगैरह करती थी कभी सोचा नहीं, लेकिन जो मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे हाई आए, ITI में मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे लगा कि शायद मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए. एंड देन मैं ITI की गोल्ड मेडलिस्ट बनी. मैं पढ़ाई में जैसे टॉपर रही ऐसी मैं ITI में भी टॉपर रही ब्यूटी फील्ड के अंदर. एंड देन मैंने उसके बाद इसको अपना एक फील्ड ही बना लिया. इसके साथ मैंने बहुत सारे हॉबी कोर्सेज भी किए हैं. एंड ITI में मैं जैसे ब्यूटी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसके साथ ही मैं अमेरिकन इंडियन इंस्टीट्यूट अकेडमी के लिए भी मैंने अपना डिप्लोमा करा हुआ है, फर्स्ट डिग्री उसमें भी मैंने ली हुई है. इसके अलावा मेरे बहुत सारे हॉबी कोर्स हैं, जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है, इसके अलावा पेंटिंग है एंड कैंडल मेकिंग है, और मेरा सबसे बड़ा शौक है पढ़ाई करना और साथ में लिखना. मैं गाने वगैरह भी लिख लेती हूँ. खूप छान, खूप कला अवगत आहे तुम्हाला. थँक यू. आणि मॅडम, आता लहानपणापासून तुम्ही इतक्या छान वेगवेगळ्या फील्डमध्ये सगळी ही डिग्रीज घेतलेल्या आहेत, तर मग लग्नानंतरचं तुमचं वातावरण कसं होतं, म्हणजे तिकडे तुम्हाला या गोष्टीसाठी सपोर्ट होता का? जी बिलकुल. लग्न जो मेरा करा है, मैं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने शादी हिंदू फैमिली में करी है. एंड उसके बाद मैं टोटली हिंदू ही कस्टम को मैंने अपनाया, और उसके बाद मुझे थोड़ा वातावरण जरूर अलग मिला, लेकिन मेरे हस्बैंड का मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिला हर तरह से, हर जगह से. उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट करा, किसी भी तरह का कोई उन्होंने किसी चीज़ की रुकावट नहीं डाली है मेरे किसी भी चीज़ के लिए. तभी आज मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाई हूँ. अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो शायद एक फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है हर जगह पे आगे वो करना. तो मैं यहाँ तक इस वजह से हूँ. सासरी वातावरण कशा प्रकारचं होतं मॅडम तुमचं लग्न झालं तेव्हा? जी, मेरे ससुराल का वातावरण नो डाउट बहुत अच्छा था. मेरे इन लॉज बहुत अच्छे से चाहते थे कि मेरा जो फील्ड है जिसमें मैं आई हूँ उसमें ही मैं आगे बढ़ूँ हर तरह से. लेकिन फिलहाल सब अपने अपने घर में सेटल हैं. आपको पता है आजकल जो परिवार हैं कैसे हो गए हैं न्यूक्लियर, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है, सब अपनी जगह सेट हैं. सब मेरे घर के अंदर बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मैं और मेरी फैमिली बॉम्बे में रहती है. तो बाकी सब मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते आए हैं हमेशा. ब्युटी फील्ड मधल्या कोणकोणत्या डिग्र्या तुम्ही घेतलेल्या आहेत मॅडम? आता तुम्ही थोडंसं सांगितलं की तुम्ही ITI मध्ये हा गोल्ड मेडलिस्ट होता, तर आणखीन पुढच्या कोणत्या डिग्र्या तुम्ही घेतल्यात किंवा कोणत्या कंपनीमध्ये सध्या तुम्ही आता काम करताय? देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने ITI के लिए जो ब्यूटी का कल्चर का कोर्स किया उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल हासिल करा. एंड इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इंडियन अमेरिकन इंस्टीट्यूट अकेडमी से भी मैंने डिग्री ली है. इसके अलावा मेरे पास जो कंपनीज़ हैं, कंपनी में मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि मैं बेसिकली शुरू से नहीं चाहती थी कि लेडीज़ लोग का जॉब करना, मुझे खुद को नहीं पसंद आता था. लेकिन जैसे ही मैंने, कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियाँ लाइफ में आ जाती हैं कि इंसान जॉब करने के लिए वो हो जाता है. जब मैंने जॉब करी तो मेरी सबसे पहली जॉब वैदिक लाइन थी. ओके. वैदिक लाइन में जॉब करने से पहले मैं खुद अपनी ही एकेडमी चलाती थी, जो बेसिकली मैं स्लम्स के बच्चों के लिए काम करती थी.
एंड स्लम्स के बच्चों को सिखाना मुझे अच्छा लगता था कि वो अपने पैरों पे एस्टेब्लिश हों और कुछ कर पाएं लाइफ में, तो मैं वो बहुत ज़्यादा करती थी. एंड उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी जॉब की तो मैंने जॉब किया. वैदिक लाइन मेरा पहला जॉब रहा है. मेरा सेकंड सोल जो जॉब है वो सी सोल है, मैं उसकी टेक्निकल एजुकेटर हूँ. इससे पहले मैं वैदिक लाइन में थी. ओके, एज अ टेक्नीशियन आप जॉब कर? जी, मैं एज अ टेक्निकल ट्रेनर एक्सपर्ट की जॉब करती हूँ. ओके, तर मग हा जॉब करताना तुम्ही मग आउट म्हणजे बाहेरगावचे दौरे पण तुम्ही करता, मग तिथलं वातावरण आणि मुंबईतलं वातावरण यात काय फरक तुम्हाला जाणवतो? बेसिकली महिलांकडे बघताना किंवा एकंदर त्यांच्या मानसिकतेमध्ये काय फरक जाणवतो? सौंदर्य क्षेत्रात मुंबईतल्या आणि इथल्या तुम्हाला काय फरक जाणवतो? अगर मैं कहूँ तो मुंबई फैशन में नंबर वन जा रही है. एंड मुंबई से भी ज़्यादा नॉर्थ हमारा जो है दिल्ली है या पंजाब है, वो फैशन में और भी ज़्यादा आगे है. लेकिन उसके अलावा जो मैं देखती हूँ, मुंबई की लेडीज़ कॉन्फिडेंट बहुत हैं. ओके, वहाँ कॉन्फिडेंट बहुत हैं, हर चीज़ को करने में वो आगे रहती हैं. जैसे मैं अब शोलापुर में हूँ या मैं और भी बहुत सी जगह जाती हूँ अपने काम के सिलसिले में, सब जगह पे मैंने फैशन देखा है, बहुत अच्छा देखा है. लेकिन अभी भी मैंने एक चीज़ नोट करी है कि लेडीज़ अपने आप को पहचान नहीं पाई हैं. ओके, जो एक उनको अपनी पहचान चाहिए वो नहीं कर पाई हैं. कॉन्फिडेंस की कुछ कॉन्फिडेंस की कमी नो डाउट बहुत है. मे बी मेट्रो सिटी के अंदर और एक दूसरे एरिया में ये कमी है जो मैं देखने को महसूस करती हूँ जिस चीज़ को. ओके, आणि त्यांनी अजून सक्षम होण्यासाठी काय तुम्ही महिलांना टिप्स द्याल की त्यांनी शारीरिक दृष्ट्या आणि मानसिक दृष्ट्या स्वतःला इम्प्रूव्ह कोणत्या बाबतीत केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? देखिए, मैं एक ही चीज़ सबको बोलती हूँ. आज मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, सेमिनार्स भी लेती हूँ, मेरी पर्सनल क्लासेस भी चलती हैं, और मैं एक ही चीज़ उन्हें बोलती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है, नानी दादी चाची कुछ भी नहीं है. आप असल में एक अपनी आइडेंटिटी पहचानिए कि आप क्या हैं. जो आपको नाम आपकी फैमिली में दिया था, जो एक नाम है, आप उस नाम को साकार कीजिए, उसको पहचानिए, अपने आप को पहचानिए. जो मैं बहुत कमी अभी भी देख रही हूँ कि लोगों के अंदर उस चीज़ की कमी है, वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अभी भी उलझे हुए हैं, नहीं दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो वाला जो चीज़ जब उनका ख़त्म हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद वो अपने आप को पहचान पाएंगे. और उस वक्त पे जो वो लेडी हैं वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में कुछ कर जाएंगी. नो डाउट अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग अपने अपने उसमें, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक अपने आप को पहचानते हैं तो शायद वो बहुत अच्छा कर जाते हैं. ओके, तो मेरा ये मानना है कि पहले वो खुद को पहचाने, खुद को निखारें. क्योंकि ज़्यादातर मैं ब्यूटीफुल से रिलेटेड हूँ, तो मैंने ब्यूटी में देखा है कि वो ब्यूटी उनकी गैप है. तो वो ब्यूटी तभी आएगी जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. आपण आता श्रीदेवीचंच उदाहरण घेऊया, किंवा हल्ली असं झालं की कॉम्पिटिशन खूप वाढली आहे. स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्ही परफेक्ट राहण्याबरोबर दिसणं पण आवश्यक आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा स्वभावाने जितके चांगले आहेत, करिअर ओरिएंटेड जितके आहात, तितके तुमचा लुक पण पहिला लुक जो असतो, फर्स्ट लुक आपण म्हणतो, तो खूप ब्राईट आणि छान असायला हवा. तर या बाबतीत काय सांगाल मॅडम? देखिए, सबसे पहला अपना ही लुक सुधारना इंसान के लिए बेटर होता है. फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है पहला, वो सबसे ज़रूरी होता है. तो हमें एक तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना. जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आते हैं तो नो डाउट हमारे अंदर हमारे फेस पे सब चीज़ें दिखने लगती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. इसके साथ बहुत ज़रूरी हैं कुछ टिप्स ऐसे अपने ब्यूटी को, अपने आप को निखारने के लिए. मैं आज नानी बन चुकी हूँ एंड नो डाउट बहुत जल्दी दादी भी शायद बन जाऊंगी. लेकिन मैटर नहीं है दोस्तों, थैंक यू. लेकिन वो सब के लिए शायद मैंने भी अपने ऊपर मेहनत की होगी, तभी शायद आज मैं इस तरीके से लुक पाई हूँ. तो मैं चाहती हूँ हर लेडीज़ का अधिकार है सुंदर दिखना. तो ये अपने अधिकार को उन्हें खोना नहीं चाहिए, पहले उन्हें खुद जानना चाहिए कि खूबसूरती उनके अंदर है, तब जाके बाहर आती है. तो पॉजिटिव होना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद वो अपने लुक को अच्छे से निखार पाते हैं. खरी गोष्ट आहे. मॅडम, आता आमचं सोलापूर खूप गरम आहे, तुम्ही बघितलं असेल इथे उष्मा खूप असतो, म्हणजे अगदी उन्हाळ्यात तर 43-44 डिग्रीपर्यंत इथलं तापमान असतं. तर इथल्या महिलांना सनबर्नचा त्रास इथे उन्हाळ्यात खूप जाणवतो, तर त्याच्यासाठी आम्हाला तुम्ही घरगुती उपाय किंवा पार्लरमध्ये कोणती ट्रीटमेंट त्यासाठी घ्यायला हवी त्याबद्दल काय मार्गदर्शन कराल? देखिए, शोलापुर को जहाँ तक मैंने अब तक ऑब्जर्व करा है, यहाँ पे हीट बहुत है, यहाँ पे अपनी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है हवा की वजह से. तो शोलापुर की लेडीज़ से मैं यही कहना चाहूँगी कि एक SPF बहुत ज़रूरी है. बहुत बार लेडीज़ लोग सोचती हैं कि हम तो घर के अंदर बैठे हैं, या तो सन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें SPF क्यों लगाना है. लेकिन सूरज अंदर भी आ रहा है, तभी तो लाइट आ रही है ना. तो इसके लिए एक SPF लगाना बहुत ज़रूरी है, जो एक बहुत अच्छे ब्रांड का, वो कोई भी ले सकती है. हम कोई ब्रांड को यहाँ प्रमोट करने नहीं बैठे हैं जो मैं बोलूँगी. एंड सेकेंडली, अगर आप अपने घर से कुछ बनाना चाहते हैं, सनबर्न हो गया है, तो मैं उसके लिए आपको टिप्स देना चाहती हूँ. अगर आपको सनबर्न हो गया है और आप चाहते हैं उससे निजात पाना, तो बहुत अच्छा है, बेकिंग सोडा लीजिए एक चम्मच. एक चम्मच बेकिंग सोडा के अंदर अगर आपका स्किन ऑयली है,
तो आप उसके अंदर नींबू डाल के उसका पेस्ट बनाइएगा, और अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप हनी डाल के उसमें पेस्ट बनाइएगा। पेस्ट बना के आप फेस पे लगा लीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट, एंड उसके बाद आप उसको पानी से साफ कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा एक उपाय है जो आप घर के अंदर करिएगा, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी स्किन की टैनिंग निकल जाएगी, और कम से कम हफ्ते में एक बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आणि तुम्ही आता म्हणालात की गैरसमज असतो की मी घरात बसली आहे तर मला सनचा माझ्यावर डायरेक्ट काही परिणाम होणार नाही, तर ते अगदी चुकीचं आहे। तुम्ही म्हणालात की घरातल्या स्टोव्हच्या पण ह्याच्यापासून म्हणजे हीटपासून पण आपल्याला वाचण्यासाठी स्किनला काहीतरी प्रोटेक्शन देण्याची गरज आहे। आणि आता तुम्ही घरगुती उपाय मॅडम खूप छान सांगितलात, आणि तसंच मला अजून एक सांगा की आपण हल्ली म्हणजे महिलांमध्ये किंवा पुरुषांमध्ये सुद्धा फेअरनेस क्रीम वापरायचं प्रमाण, फेअरनेस लोशन वापरायचं प्रमाण वाढलेलं आहे, की प्रत्येकाला गोरा रंग हवा आहे, तर तो फेअरनेस क्रीम मुळे खरंच तो गोरा रंग त्या प्रमाणात मिळतो का, आणि यात कितपत तथ्य आहे ते आम्हाला सांगा। देखिए मैं फेयरनेस क्रीम के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि स्किन अच्छी होनी चाहिए, ना कि आपकी स्किन गोरी होनी चाहिए। गोरा और काला तो हम यहाँ आके अपने आप को बना लेते हैं। बेसिकली हेल्दी लुक का होना, हेल्दी स्किन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन में हेल्दीनेस है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको फेयर करने की, और फेयर करने से ही आपकी पहचान नहीं होती है, तो स्किन को हेल्दी लुक देना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहर के कोई भी ब्रांड से फेयरनेस स्किन से आप फेयर हो सकते हैं। जब आप फेयरनेस स्किन को छोड़ते हैं, किसी भी तरह की क्रीम को जब आप छोड़ते हैं, तो आपकी स्किन पर उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि आप उसके एडिक्टेड हो चुके होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कुछ भी करना है और आप अपने आप को फेयर रखना चाह रहे हैं, तो आप घर के ही चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट ना आए, क्योंकि घर की बनी हुई किसी भी चीज़ से कोई साइड इफ़ेक्ट के चांस होते ही नहीं। तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी किस तरीके से हमें होम केयर के बारे में बोलती थी, तो उस टाइम के स्किन कितने टाइम तक जवानी रहते थे वो, और आजकल में यंग एज में ही हम लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कोशिश आप ये करिए कि बाहर की चीज़ पे डिपेंड ना रहते हुए आप अपने घरेलू उपाय करिए, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देंगे और बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। आता आजकाल 30+ म्हणजे 35+ किंवा नाईट क्रीम ह्याचं पण एक ट्रेंड आलेला आहे, की अँटी एजिंग क्रीम ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर त्या अँटी एजिंग क्रीमने खरंच आपण 10 वर्ष बॅक जाऊ शकतो का? मैम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आपको अगर अपनी स्किन से 10 वर्ष पीछे जाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर की बनी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। मैं उसके लिए आपको एक उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए हमारे नानी दादी के टाइम से जो चला आ रहा था नारियल का तेल, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन मैं फिर किसी ब्रांड को नहीं बोलूँगी, आप बाज़ार से लीजिए, आप अपने घर में नारियल का तेल बनाइए। इसके लिए आपको क्या करना है कि नारियल का जो एक नारियल होता है उसका हमें दूध निकालना है। दूध निकालना मेरे ख्याल से सब लोगों को शोलापुर में आता होगा नारियल का दूध कैसे निकाला जाता है। एंड देन उसको आप डायरेक्ट हीट पे चढ़ा दीजिए। हीट पे चढ़ाने के बाद जो उसमें से ऑयल है वो अलग हो जाता है, जो वर्जिन ऑयल होता है। इस वर्जिन ऑयल से ही आप एक बहुत अच्छी क्रीम बना सकते हैं, नाइट क्रीम। जब आपको रात को लगाना है तो उसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए, एंड देन नारियल के तेल के साथ थोड़ी मसाज करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो मसाज है वो लिफ्टिंग अप की तरफ होनी चाहिए। तो जब आप लिफ्टिंग मसाज देते हैं और एक परफेक्ट अपने ही बने किसी होम केयर से देते हैं, तो उसके रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छे आते हैं। विटामिन ई कैप्सूल अपन फोड़ून डायरेक्टली फोड़ के डायरेक्ट नारियल के तेल में जो आपने हाथ में लिया है उसमें मिक्स करिए, एंड देन फेस पे अप्लाई करके आप राइट प्रोसेसर के साथ उसको करिए मसाज के साथ। है कितने दिवस आपल्याला साधारण प्रक्रिया करावी लागेल? देखिए एक होम केयर अगर आप डेली यूज करते हैं तो आप अपनी उम्र को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आपकी स्किन के इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें दूर होती हैं, यानी कि पिगमेंटेशन दूर होता है, आपकी स्किन की डलनेस आती है। जैसे मैं बेसिकली शोलापुर में देख रही हूँ ड्राइनेस बहुत है, स्किन को मॉइस्चर की बहुत कमी है, तो वो मॉइस्चर लेवल आपका बैलेंस हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, क्योंकि आप प्योर चीज़ लगा रही हैं, नेचुरल चीज़। जी बिल्कुल नेचुरल चीज़। स्किन टाइप किती प्रकारचे असतात मॅडम, आणि प्रत्येक स्किन टाइपनुसार घरगुती उपाय आणि थोडेसे आम्हाला बेस पार्लर ट्रीटमेंट याच्याबद्दल पण माहिती द्या? जी देखिए सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि स्किन टाइप वही होते हैं जो हम पैदा होते हैं जिस स्किन को लेके। हमारे साथ ये बहुत होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमारी स्किन तो एंटी एजिंग हो गई है, हमारी स्किन तो एक्ने हो गई है, जबकि ये सारे स्किन के इश्यूज होते हैं, स्किन के टाइप्स नहीं होते हैं। स्किन टाइप मतलब आपका आप ड्राई स्किन लेके पैदा हो सकते हैं, आप ऑयली स्किन लेके पैदा हो सकते हैं, इनफैक्ट कॉम्बिनेशन स्किन भी लेके पैदा हो सकते हैं। लेकिन सेंसिटिव स्किन और एंटी एजिंग स्किन और एक्ने स्किन आपको यहाँ से मिलती है। जो चीज़ें आपको दुनिया ने दी हैं, जो आप यहाँ पैदा होने के बाद लेते हैं, वो सारे स्किन इश्यूज़ होते हैं, स्किन टाइप्स नहीं होते हैं। एंड बेसिकली आपको जो स्किन टाइप के हिसाब से अपने कुछ भी होम केयर करने हैं,
सबसे पहले आपको ये देखना है आपकी स्किन में मॉइस्चर की कितनी कमी है, यानी कि अगर आपका मॉइस्चर लेवल बैलेंस है तो स्किन के इश्यूज जल्दी नहीं आते हैं। तो मॉइस्चर लेवल बैलेंस करने के लिए आप किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, अगर मॉइस्चर लेवल बैलेंस करना है तो आप एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आप डेली लगाइए, आप देखिए आपकी स्किन का मॉइस्चर बैलेंस हो जाता है। एंड मॉइस्चर बैलेंस हो गया तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई इश्यूज़ आपकी स्किन पे नहीं होंगे। लेकिन ये मैं आपको ये बता रही हूँ, जो मॉइस्चर लेवल बैलेंस करना है, एलोवेरा जेल एक ऐसा जेल है जो ऑल स्किन टाइप होता है, यानी आप ड्राई स्किन पे, ऑयली पे, किसी भी तरह की स्किन पे उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि पहले मॉइस्चर लेवल बैलेंस करिए, उसके बाद आप अपनी स्किन में जो भी इश्यूज़ हैं, एक्ने है या एंटी एजिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी घर का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर आपको अपनी स्किन से एक्ने, जैसे जो आजकल बहुत समस्या यंग एज में बहुत होती है, लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्ने के इश्यूज़ होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो लोग बाहर का फ्राई किया हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं। हम बच्चों को रोक नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन एक्ने को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्ने के लिए उन्हें एक ही चीज़ सबसे पहले बोलिएगा कि वो अपने फेस को बहुत ज़्यादा बार धोएं, नॉर्मल पानी से ही उनको अपने फेस को धोना है। एंड रात को जो लगाना है उन्हें, वो क्या लगाना है, आप बेकिंग सोडा ले लीजिएगा एक चम्मच, बेकिंग सोडा के साथ उसके अंदर आप थोड़ा सा किसी भी एक हमारा पेस्ट होता है जो कॉलगेट पेस्ट होता है या कोई भी वाइट पेस्ट, थोड़ा आधा चम्मच वो डाल दीजिएगा। एंड नींबू का रस डाल के एक पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना के लगाइए फेस पे, कम से कम आधे घंटे तक छोड़ दीजिएगा, उससे आपके एक्ने बहुत जल्दी ठीक होंगे। और कोई भी इलाज करते समय, फेस का करते समय, एक पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, कोई मिरेकल नहीं है, कुछ भी चीज़ें डे बाय डे इफेक्ट डालती हैं, तो ये आपका बहुत जल्दी उससे फ़र्क पड़ेगा। एंड इसके अलावा एंटी एजिंग के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको ऑयल का और विटामिन ई का कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, वो बहुत इफेक्टिव है। एंड आजकल एक चीज़ मैं बहुत देख रही हूँ, एंटी एजिंग हम का मतलब होता है एजिंग साइन आना, और साथ में स्किन का लूज होने का मतलब कभी भी नहीं होता एजिंग साइन आना। लेकिन जो बच्चे अपना वेट लॉस करते हैं उनकी स्किन के अंदर लूजनेस आ जाती है, तो स्किन को टाइट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है त्रुटि, फिट करी जिसको हम लोग बोलते हैं, आप वो उसका एक पेस्ट बना के जब फेस पे लगाते हैं तो वो एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो मैं बच्चों को एंटी एजिंग क्रीम लगाने के लिए नहीं बोलूंगी, हाँ किसी वजह से जो उन्होंने वेट लॉस करा है या किसी वजह से स्किन में शेगीनेस आ गई है या बहुत ढीली हो गई है, तो वो त्रुटि से बहुत अच्छे से जल्दी से टाइट हो जाती है। पानी तो कितनी प्रमाणात मिक्स कराए, एक्चुअली में त्रुटि आप हाफ स्पून ले लीजिए एंड उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लीजिए, उसका पेस्ट बना के फेस में लगा लीजिए। ओके। एंड कोई भी आपने जो भी फेस पे लगाने के लिए पैक वगैरह बनाने हैं, 15 से 20 मिनट से आधे घंटे तक आप उसको लगा सकती हैं, आधे घंटे से ज्यादा प्लीज नहीं लगाइएगा किसी भी चीज को, नॉर्मल पानी से उसको धो देना, नॉर्मल पानी से। ओके। पिगमेंटेशन साठी मैडम घरगुती उपाय आपण काय करू शकतो? देखिए पिगमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिगमेंटेशन बहुत तरह के होते हैं, पहले उसके लिए हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइप का पिगमेंटेशन है। लेकिन फिर भी एक पिगमेंटेशन इस तरीके के भी कुछ पिगमेंटेशन होते हैं कि आप घर में उसमें बना के लगा सकते हैं चीज़ें। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, मैं यहाँ बेकिंग सोडा को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेकिंग सोडा बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट के साथ होता है, और एक हमें बेस बनाने के लिए अगर बेकिंग सोडा मिल रहा है, बेकिंग सोडा लीजिएगा आधा चम्मच पिगमेंटेशन पे लगाने के लिए। देन उसके अंदर आप अरोमा ऑयल, मैं कुछ बताने जा रही हूँ अभी आपको, टी ट्री ऑयल उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल की उसके अंदर अप्रॉक्स 10 बूंदे डालिएगा। अगर आपको पिगमेंटेशन ऑयली स्किन पे है तो उसको हमें डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, और अगर पिगमेंटेशन ड्राई स्किन के ऊपर है तो हम उसको दूध से घोल के फेस पे लगा सकते हैं। म्हणजे ड्राई स्किन असेल तर दुधा बरोबर दूध में घोळणं है, और अगर ऑइली स्किन है तो आप लेमन से यूज कर सकते हैं। ओके। हेअर स्पाचा हल्ली भरपूर ट्रेंड आहे मॅडम, तर त्याच्याविषयी तुम्ही, केराटिन स्पा एक नवीन कन्सेप्ट आलेली आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल की किती गरजेचं आहे महिलांनी ते करणं? आजकल लोग इतना ब्यूटी के पीछे भाग रहे हैं अपने हेयर को लेके, उन्हें केराटिन कराना है, सब कराना है। देखिए ये ब्यूटी की चीज़ें एक हद तक सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप केमिकल का यूज़ ज़्यादा ना करें। मॅडम बरोबर अशा छान गप्पा चालू ठेवूयात, परंतु इथे घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती। प्रतिबिंब जनमनाचं हे ब्रीद असलेलं नंबर 1 दर्शकप्रिय लोकल न्यूज चॅनल इन सोलापूर न्यूज चॅनल केव्हाच जगभरात पोहोचलंय ही आता नाविन्याची बात राहिली नाही, त्यानंतर आता इन न्यूजचं आणखी एक पुढचं पाऊल। इन सोलापूर न्यूज चॅनल आता आपल्या मोबाईलवर, इन न्यूजच्या दर्जेदार वास्तवपूर्ण बातम्या आणि कार्यक्रम आपण आपल्या स्मार्टफोनवर पाहू शकता। यासाठी इतकंच करा, इन सोलापूर न्यूजचं अधिकृत
यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करा, तसच इन न्यूजचं फेसबुक पेज लाईक करा। स्थानिक वृत्तवाहिन्यांच्या इतिहासात प्रथमच इन सोलापूर न्यूजचं मोबाईल ॲप। सोलापूर शहर जिल्ह्यातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी इन सोलापूर न्यूजचं मोबाईल ॲप्लिकेशन आज आणि आत्ताच ताबडतोब डाउनलोड करा। लक्षात ठेवा, गुगल प्ले स्टोअरवर हे ॲप उपलब्ध आहे आणि आता लवकरच या ॲपवर इन सोलापूर न्यूज चॅनलचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग दर्शकांच्या सेवेत। सोलापुरातील घडामोडी आता जगात कुठेही फक्त एका क्लिकवर। इन सोलापूर न्यूज चॅनल घराघरात, मनामनात, संपूर्ण जगभरात। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत। तर मॅडम, आता मी तुम्हाला पुढचा प्रश्न असा विचारतीये की हल्ली स्पा किंवा कॅरेटिन स्पा ह्याचा एक ट्रेंड आलेला आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल? कॅरेटिन स्पाची किती गरज आहे? देखिए, कैराटीन और रिबॉन्डिंग करा के जो फेस हमारे डैमेज हो जाते हैं केमिकल पील वगैरह करके, जिस भी तरह से हम बालों को देते हैं तो केमिकल से हमारे जो हेयर हैं वो बहुत डैमेज हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कैराटीन स्पा का होना बहुत ज़रूरी है। कैराटीन स्पा से उनको क्या है, हेयर को नरिशमेंट मिलता है, नरिशमेंट के साथ साथ उनके हेयर में एक हेल्दी लुक भी आता है एंड जो ड्राई एंड फ्रिजी हेयर हैं वो ठीक हो जाते हैं। और मैं चाहूँगी कि आज का जो भी यंगस्टर्स या जो भी फीमेल कैराटीन करा के अपने बालों को ख़राब करा चुके हैं वो कैराटीन स्पा ज़रूर कराएं, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। स्किन मधल्या वेगवेगळ्या डिग्रीज म्हणजे स्किन, हेअर, बॉडी ह्याच्यातल्या वेगवेगळ्या डिग्रीज, तुम्ही एक्सपर्ट त्याच्यामध्ये आहात, तर स्किन मधल्या कोणत्या विशिष्ट प्रकाराविषयी तुम्ही त्यात जास्त एक्सपर्ट आहात किंवा जे ब्युटिशियनला ट्रेनिंग तुम्ही वारंवार देत? देखिए, मैं जो मेन एक्सपर्ट हूँ वो मैं मसाजेस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। मेरी खुद की बनाई हुई मसाज हैं, बहुत सारी डिफरेंट मसाजेस हैं जिससे हम लोग दिखाते हैं कि फेस कंट्रोल कैसे होता है। मैं सिर्फ दो बार ही ऊपर फेस पे हाथ फिरा के स्किन को इमीडिएट लिफ्ट करके दिखा सकती हूँ आपको। मैं पानी से मसाज करके आपकी स्किन को ग्लो करना सिखा सकती हूँ। तो मेरी मसाजेस बहुत डिफरेंट टाइप की हैं, तो मैं वही ट्रेनिंग देने के लिए आपको यहाँ निकली हूँ महाराष्ट्र में। और मैं पूरी तरीके से चाहती हूँ कि एजुकेशन की जो यहाँ कमी है वो एक तरीके से कंप्लीट हो, जो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं वो सीखें और उस तरीके से वो ट्रेंड अपने काम में लेकर आएँ और अपने काम को आगे बढ़ाएँ। आणि तुम्ही महाराष्ट्रभर आता सध्या सगळीकडे ब्युटिशियन्सला शिकवताय, हे विशिष्ट ट्रेनिंग देत आहे जे तुमच्याकडे तुम्हाला अवगत आहे। आता तुम्ही म्हणालात की फक्त तुम्ही एका स्ट्रोकमध्ये फेस लिफ्टिंग करून दाखवू शकता किंवा पाण्याचा मसाज हा पण आपल्याकडे नवीन आहे, तर मॅडम हे तुम्ही कधीपासून सुरू केलं? म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ब्युटिशियन्सना आपण प्रशिक्षण देऊ किंवा त्यांना जे माहिती नाही ते शिकवू, आता इथे सोलापुरात तुम्ही विशाल डिस्ट्रीब्युटर्सच्या सहयोगाने हे करताय, तर मग असं तुम्ही महाराष्ट्रभर अजून कुठे दौरा केलेला आहे? देखिए, मैं विशाल सर के थ्रू ही सोलापुर में आई हूँ एंड विशाल सर ही पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरे लिए ये वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा से नोट करी और मैं सबको एक चीज़ बोलती आई हूँ कि विशाल सर की वजह से एजुकेशन बहुत है सोलापुर में, और वो हमेशा चाहते हैं कि कोई भी अच्छे टेक्नीशियन आके सोलापुर की जो ब्यूटिशियंस हैं उनको ट्रेन करे, क्योंकि उनका मेन मोटो है कि ये सिंपल ब्यूटिशियंस नहीं है, ये एक थेरेपिस्ट हैं, एक इनके बहुत अच्छा इनको एजुकेशन होने की ज़रूरत है। मैंने खुद यहाँ आके देखा, सबके सेटअप बहुत बड़े बड़े हैं, सब अपनी अकेडमीज चला रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की फिर भी बहुत कमी है। वो अभी भी पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, जो एक हमारा बेसिक पड्डा है उस चीज़ों को वो नहीं समझ पाए हैं। मैं जितने भी दिन की यहाँ पे क्लास लेती हूँ, वर्कशॉप्स लेती हूँ, मेरा इस तरीके से एकेडमी चलता है, वायलेट ब्यूटी एकेडमी के नाम से मेरा एकेडमी है, जो मैं यहाँ आके जब मैं अपनी वर्कशॉप्स लेती हूँ, क्लास लेती हूँ, तो मैं उन्हें डिफरेंट सारी चीज़ें बताती हूँ, ब्रांड के बहुत सारी चीज़ें, ब्रांड को भी प्रमोट करती हूँ, इसके अलावा मैं उनको होम केयर के बहुत सारे टिप्स देती हूँ, उनको डिफरेंट टाइप की मसाजेस सिखाती हूँ कि किस तरह की स्किन पे आप किस तरह की मसाज देके उसके ऊपर ठीक कर सकते हैं उनके इश्यूज को। आता थोडासा मॅडम ब्युटी फील्डकडनं थोडासा तुम्हाला सामाजिक प्रश्नाकडे वळवते। समाजातल्या कोणत्या गोष्टीची तुम्हाला चीड येते, ती थोडीशी बदलायला हवी असं वाटतं, किंवा कोणत्या गोष्टीला तुम्ही अप्रिशिएट करता? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा चिड़ होती है राजनीति से, राजनीति की किसी भी बात में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और राजनीति मेरे को कभी समझ में आई ही नहीं है, ना ही समाज की समझ में आई है, ना देश की समझ में आई है, ना ही परिवारों की समझ में आई है, तो मैं उन सबसे बहुत दूर रहती हूँ। राजनीति एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसको तो मैं बिल्कुल ही चाहूँगी कि देश से राजनेता ही हटा दिए जाएँ, देश के अंदर पब्लिक अपनी तरीके से चलती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके आपल्या देशात लोकशाही म्हणतो आपण, पण खरं तर राजकारण्यांची सत्ता जास्त चालते। जी जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा चलती है। और फिलहाल जो सबसे ज्यादा शायद मैंने देखा है अभी तक के उसके अंदर
नोटबंदी होने के बाद और जीएसटी होने के बाद जो एक आम छोटे व्यापारी हैं, यानी कि मैं पार्लर से ही बिलोंग करती हूँ तो मैं पार्लर के बारे में ही बताना चाहूँगी, उन लोगों को काफ़ी इफेक्ट आया, उनके बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो महिलाएं पहले पैसे थोड़े से छुपा के रख लेती थी वो सब उनको देने पड़ गए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। तो वो सबसे नो डाउट बहुत फ़र्क आया है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आजकल की नारी को। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा महिलाएं वर्किंग फील्ड में नहीं होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग फील्ड में हैं और वो जिस भी फील्ड में हैं वो अपने फील्ड को ऑनेस्टी से करें, पॉजिटिव होके करें, तो नो डाउट बहुत आगे बढ़ेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा पुरुषों से कंधा मिला के आज भी नारी चल रही है लेकिन शायद तब पुरुषों से आगे भी निकल जाएगी। मैडम आता तुम्हाला पुढचा प्रश्न असा विचारते की तुमचं भविष्यातलं पुढचं पर्सनल लाईफमधलं किंवा तुमच्या करिअर विषयीचं म्हणजे ब्युटी फील्डमधलं पुढचं स्वप्न काय असेल? देखिए ब्यूटी फील्ड से और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जिस तरीके से मैंने अपने आप को एक वो बनाया है, एक मुकाम तक लेकर आई हूँ कि मेरी मसाजेस डिफरेंट हैं, जो मैं खुद बनाती हूँ अपने तरीके से मेरी मसाज होती हैं, एंड देन इसके अलावा मेरे बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो मेरी खुद की होती हैं। तो मैं चाहती हूँ हर एक ब्यूटिशियन उसको सीखे और सबसे पहले ये सीखे मेरे से शायद पॉजिटिव होना, जो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, एंड उसके अलावा अपने आप को एक पर्सनैलिटी डेवलप करना। तो मेरा बेसिकली जो एक थीम है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए, जिसमें से मेरा एक मोटो है शो केस द बोल्ड ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि अपने आप को आपने बोल्ड रखना है, ब्यूटीफुल रखना है और कॉन्फिडेंट रखना है। ओके खूब मस्त मैडम, थैंक यू मॅडम। तुम्ही इतकी छान आम्हाला आता विचार सगळे तुमचे ऐकवलेले आहेत, तुमचं स्वप्न पण खूप सुंदर आहे आणि हे लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी तुम्हाला सदिच्छा देते। मॅडम वेळात वेळ काढून तुम्ही इन सोलापूर न्यूज चॅनल प्रस्तुत मैत्रीण या विशेष कार्यक्रमात सहभागी झालात, आम्हाला इतक्या छान छान ब्युटी टिप्स दिल्यात आणि इतक्या छान इथल्या ब्युटिशियन्सना सुद्धा तुम्ही खूप छान प्रशिक्षण देताय, तर तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी इन सोलापूर न्यूज चॅनलकडून तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आणि तुमचा आत्तापर्यंतचा जो प्रवास आहे तर त्या वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा आणि वेळात वेळ काढून आम्हाला ही छान मुलाखत दिली त्याबद्दल इन सोलापूर न्यूज चॅनलकडून तुमचे हार्दिक आभार। थँक यू, मैं खुद सोलापूर न्यूज़ की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो सकी और आप लोगों को बहुत सारी बातें जानने को मिली, एंड थँक यू, थँक्स अ लॉट सोलापूर।